वेरी गुड इवनिंग डी एयर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल दिस इज टार्ग टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इंग्लिश कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड टूडे वी आर गोइंग फॉर क्लास नाइन दैट इज टेंस वर्किंग प्रेजेंट सिंपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अटेंडेंस की फॉर्म में तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं तो देखो ये चीज़ें हैं ना शेयर करना वीडियो को शेयर करना लाइक करना ये सारा काम आपको खुद से कर लेना है करना ही है मैं बार बार नहीं बोलूंगा आप लोगों को ये गुरु दक्षिणा है ठीक है ना फ्री में क्लासेस चल रही है ना उसके बदले में ये गुरु दक्षिणा है इतना क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है तो स्टार्ट करते हैं क्लासेस को तो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आज अपने प्रेजेंट सिंपल करेंगे लेकिन उससे पहले ना एक बार आ, कुछ एक एलिमेंट की वर्किंग रह गई थी वो एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं जैसे आ, सबसे पहले मैं बात करूं डू की डू एलिमेंट की वर्किंग होती है डू और डज की वर्किंग डू डज एंड डिड ये तीन जो मॉडल होते हैं ना इन तीनों की एक वर्किंग होती है क्या वर्किंग होती है ये पता है क्या करते हैं ये क्या करते हैं एबजॉर्ब कर जाते हैं किसको एब्जॉर्ब बी कि बी कर जाते हैं मतलब इन तीनों मॉडल की ये क्वालिटी होती है कि बी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं और कोई भी मॉडल एबजॉर्व नहीं कर पाता ये तीन ही मॉडल होते हैं जो क्या करते हैं बी को एब्जॉर्ब करते हैं और बी को एब्जॉर्ब करके ये क्या बन जाते हैं ये जो आपका डू है ये बन जाता है आर डज है, है वो बन जाता है आपका इज और ये जो आपका डिड है वो बन जाता है आपका वोज, वोज वर बोल दो आप वोज वर दोनों बन जाता है क्योंकि डिड सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए यूज होता है एक यहां पे एम हो रहा है वो भी बनता है जब आई के साथ यूज होता है ना डू तो वो एम बन जाता है ठीक है तो ये इनकी क्वालिटी है ये तीन मॉडल्स ऐसे होते हैं जो बी को ऑब्जॉर्व करते हैं और कोई भी मॉडल बी को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपके जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बताऊं वैसे अपनों ने सुना है ना ये चीज अपनों ने सुनी होगी कि यहां पे अपने बात करें कि डू डज डिड या फिर डू डज डिड के लिए नहीं बोलते ऐसे बोलते इजार वर वगैरह ये क्या होते हैं बी की फॉर्म होते हैं विल वगैरह इनके लिए कभी नहीं बोलते कि बी की फॉर्म होते हैं इनके लिए बोला जाता है कि बी की फॉर्म होते हैं पता लग गया नहीं, बी की फॉर्म कैसे होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं रियल में एज एम आर वोज पर कुछ होता ही नहीं रियल में वो मॉडल के साथ बी एब्जॉर्ब किया हुआ होता है डू Do, डिड का एब्जॉर्ब करने के बाद जो रूप बनता है जो फॉर्मेशन होती है उसकी वो ही आपके एज एम आर वोज पर होते हैं तो रियल में ये एग्जिस्ट नहीं करते वैसे वैसे दिखने में स्ट्रक्चर की फॉर्म में करते हैं रियल में ये कुछ नहीं होते जैसे बोलते हैं हेल्पिंग वो होती हेल्पिंग वो नहीं होती है अभी क्लियर हो जाएगी थोड़ी देर में आपकी चीजें सारी, सारी टेंस में कैसे गड़बड़ होती है सारी की सारी चीजें पता लग जाएगी और कोई भी मॉडल एबजॉर्व नहीं कर पाता इसीलिए देखो एक सेंटेंस में लिखकर दिखाऊंगा आप लोगों को यहां से थोड़ा सा क्लियर होगा जैसे मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर यह मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर ठीक है प्रेजेंट वैसे बोलते हैं ना ही इज ए डॉक्टर लेकिन फ्यूचर के लिए क्या बोलोगे ही विल बी ए डॉक्टर ऐसे लिखाता है कि नहीं आता फ्यूचर में ये लिखाता है ना ही विल बी ए

तो जब ये चीज होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से अपने को जो स्ट्रक्चर लिखवाई जाती है उसके अकॉर्डिंग यहां पे इज आ गया तो इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है तो इज की जगह विल आना चाहिए ना तो ये बी एक्स्ट्रा कहां से आया बात समझ भाई तो क्या होता है रियल में ये इज नहीं होता ये रियल में क्या होता है आपका डज बी होता है और जो विल आता है ना वो किसकी जगह आता है विल आपका किसकी जगह आता है विल इसकी जगह आता है आपके डज की जगह डज की जगह क्या आएगा आपका विल आएगा ये चीज ध्यान रखना रियलिटी होती है मॉडल आपका डज होता है इज होता ही नहीं है और विल होता है तो उसकी विल आता है फिक्स की बात करो वो डॉक्टर है फिक्स है इसका मतलब क्या होता है डज आ गया और वो डॉक्टर होगा पॉसिबिलिटी है तो क्या आ गया विल आ गया तो जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे ना वैसे वैसे चीजें चेंज होती जाएगी अभी अपने कर लेंगे स्टार्ट करेंगे ना प्रेजेंट सिंपल तब अपने क्लियर हो जाएगा ऐसे ही सेम का सेम एक और केस होता है ये जो डू डज डिड है ना वो एक काम और करते हैं एक एलिमेंट और होता है उसको भी एब्जॉर्व करते हैं ये ये ना आपका जो हैव है ना उसको भी एब्जोर्व कर जाते हैं को भी अब करते हैं लेकिन हैव हाँ किस फॉर्म में होना चाहिए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होना चाहिए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हैव की भी दो वर्किंग होती है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होगा तभी उसको क्या करेंगे ये करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे ठीक है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन एक वर्किंग होती है दूसरी वर्किंग मेन एक्शन भी होती है तो मेन एक्शन की फॉर्म में बात अलग करता है वो ठीक है मेन एक्शन यानी मेन एक्शन दूसरी वर्किंग होती है मेन एक्शन हैव दो तरीके से काम करता है मेन एक्शन की तरह भी काम करता है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की तरह काम करता है जब ने परफेक्ट करेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी की तरह कर... कब करता है और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन कब करता है तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है ना तब ये एबजॉर्व करते हैं और एबजोर्व कर करके क्या बन जाते हैं हैव के साथ में डू जो होता है ना डू आपको हैव को क्या करके एब्जॉर्व करके डू ये हैव को क्या करेगा एब्जॉर्व करके क्या बना देगा डू बन जाएगा हैवी रहेगा ठीक है डज है वो हैव को एब्जोर्व करके क्या बनेगा हैज बन जाएगा और डिड है वो हैव को absorb करके क्या बन जाएगा? बन जाएगा जाएगा इस तरीके से मतलब ये फॉर्मेशन होती है इनकी तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है ये वर्किंग है किसकी इन एलिमेंट्स की मॉडल्स की इन तीन मॉडल की वर्किंग है ये सिर्फ तीन मॉडल ही है जो एब्जॉर्व जो एब करते हैं और कोई सभी नहीं कर पाता इसलिए विल हैव आता है लेकिन डज हैव नहीं आता हैज आता डायरेक्ट आ जाता है समझ में चीज ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी अब जैसे जैसे अपने टेंसेज को करेंगे उस तरीके से ठीक है इतना समझ में आ गया तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अपना पहला टेंस दैट इज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल को यहां पे अपने स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले तो अपने इसकी फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस को फॉर्म कैसे किया जाता है पहले तो वो बात करेंगे उसके बाद में अपने देखेंगे इसकी फिजिकल मीनिंग क्या फिजिकल मीनिंग भी जरूर देखेंगे टेंसेज का मतलब कौन सा टेंस किस तरीके से बात करें वो फिजिकल मीनिंग भी यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले करते हैं तो अपने, अपने अब इंजीनियरिंग मोड में आ जाओ आप सारे के सारे क्या बन जाओ इंजीनियर बन जाओ अब इंजीनियर बनना है अपने को इंजीनियर बनकर अपने को क्या करना है सेंटेंस को फॉर्म करना है मतलब इंजीनियर इस तरीके से बनना है कि आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए उन एलिमेंट्स को जोड़कर आपको क्या तैयार करना है सेंटेंस तैयार करना है यानी गाड़ी तैयार करनी है एक टाइप से तो यहां पे मैं एक बात करता हूं चाय बनाने की बात करता हूं ठीक है तो ही कोई पर्सन है एक पर्सन दे दिया अपने को ही को दे दिया और एक चाय चाय दे दी टी टी चाय दे दी और क्या दे दिया एक्शन दे दिया मेक का एक्शन होना जरूरी है सेंटेंस में ये ध्यान रखना हमेशा एक्शन होना जरूरी है।, तो है तो ही मेक टी वो चाय बनाता है इस तरीके से कोई बात हो कि चाय बना रहा है कुछ भी हो अपने को उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन करना मैं आपको सिखा देता हूं यहां पे कैसे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो देखो ध्यान से एक बात मुझे बताओ कि जब चाय बनानी है तो ये तीर होता है ये क्या है एरो है एक्शन का हमेशा क्या होता है एरो होता है यानी तीर होता है तो तीर चलेगा ठीक है अब एक चीज बताओ जैसे आप कोई गाड़ी रिपेयर कर रहे हो ठीक है गाड़ी रिपेयर कर रहे हो तो रिपेयरिंग का तीर डायरेक्ट गाड़ी पे लगेगा बीच में कुछ आ जाएगा तो रिपेयरिंग हो जाएगी उसकी नहीं होगी या फिर मान लो पेंट कर रहे हो कलर कर रहे हो मान लो यहां पे आपने क्या किया यहाँ पे ये यह दीवार है और दीवार पे यहाँ पे इस दीवार पे अपने को कहना कलर करना है यहाँ पे, पे, तो पे अपने को क्या करना है इस जगह पे कलर करना है तो यही चीज इस दीवार पे अपने को कलर करना है तो कलर करने के लिए जैसे ही आप इस पे कलर डालोगे तो डायरेक्ट कलर जाना चाहिए दीवार पे या बीच में कुछ आना चाहिए अगर बीच में कुछ आ गया तो दीवार पे कलर हो जाएगा आपकी टास्क कंप्लीट हो जाएगी आपकी टास्क का कलर करना कलर करने के लिए डायरेक्ट दीवार पे कलर जाएगा तभी तो दीवार का कलर होगा ना तो बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए और बीच में कुछ आ गया इसका मतलब डायरेक्ट कलर नहीं होगा तो डायरेक्ट तीर लगना चाहिए तो अब जैसे ही अपने यहां पे चाय बना रहे हैं ना तो चाय बनाने के लिए क्या होना चाहिए चाय बनेगी तो तीर कौन छोड़ेगा ही छोड़ेगा एक्टिव पर्सन क्या करेगा तीर छोड़ेगा किससे बनवाने ही से बनवा तो ही तो तीर को छोड़ेगा और तीर खाएगा कौन किस पे लगना चाहिए तीर जिस पे लगेगा वही चीज बनेगी ना तो मैक का तीर किस पे लगेगा टी पे डायरेक्ट लगेगा बीच में कुछ आ सकता है क्या बीच में कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि बीच में कुछ आया तो टी बनेगी नहीं तो बनाने का तीर किस पे छोड़ना है पे छोड़ना है तो चाय बनानी है बस ये बात समझ में आ गई अब सबसे इंपॉर्टेंट इतनी बात अपने इतने एलिमेंट अपने पास आ गए अपने को यह पता लग गया कि टी जो है मेक के डायट बाद में आएगी क्यों क्योंकि उस पर डायट तीर लगना चाहिए तो उनको अपने सेट कर दिया दोनों को आपस में अब सेंटेंस की डिमांड क्या होती है सेंटेंस की डिमांड होती है वीवन उसे वीवन चाहिए तो मैक वी है या नहीं है मैक क्या है वी है तो अगर मैक वी है तो उसे ऑलरेडी उसके पास है तो जो बी एलिमेंट होता है ना वो वीवन बनाने का काम आता है अगर नहीं होता है तो तो बी की तो अपने जरूरत नहीं पड़ेगी अब वीवन यहां पे है सेंटेंस को वीवन मिल गया उसको मतलब हो गया सेंटेंस अब जो सेंटेंस है वीवन मिल गया लेकिन वीवन जो है वो अकेला सर्वाइव नहीं करता उसे क्या चाहिए उसे मॉडल चाहिए तो वो मॉडल मांगेगा अब मॉडल मांगेगा तो उसे क्या करना है यहां पे मॉडल देखना है अब बात क्या है बात के अकॉर्डिंग बात करेंगे बात ये है कि बच्चा ये बनाता है बनाता है कहां पे बनाता है प्रेजेंट फिक्स बात है ना उसकी फिक्स बात है वो चाय बनाता है तो चाय बनाता है इसका मतलब मॉडल कौन सा सेलेक्ट होगा अपने पास बहुत सारे मॉडल हैं जैसे विल हो गया ठीक है शुड हो गया डिड हो गया डू हो गया डज हो गया डिड हो गया कौन सा मॉडल यूज होगा अपने को पता है डिड जो है वो पास्ट का मॉडल है डज है ये दोनों प्रेजेंट के मॉडल है फिक्स को बताने के लिए तो यहाँ पे फिक्स बात हो रही है ना तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट होगा पास्ट वाला तो नहीं होगा बनाई थी नहीं बोल रहा बात के अकॉर्डिंग है बनाएगा पॉसिबिलिटी का मॉडल है पॉसिबिलिटी नहीं है एडवाइस नहीं दे रहा ठीक है ये डिड दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पे ठीक है तो मतलब एडवाइस नहीं दे रहा पास्ट भी नहीं हो रही तो यहां पे बात हो रही है प्रेजेंट पे तो कौन सा मॉडल आएगा प्रेजेंट का मॉडल आएगा प्रेजेंट के मॉडल क्या होते हैं डू do या डज होता है अब डू अपने को पता है 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 के साथ आता है, के साथ आता आता और डज किसके सिंगुलर के साथ आता है तो ही सिंगुलर या प्लुरल सिंगुलर है तो ही के साथ क्या आएगा डज आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा डज आ तो जाएगा ही डज मैक्स टी इस तरीके से ये अपना फॉर्म हो गया और ये एक चीज मैं बताऊं इसको ऐसे भी लिख देते हैं अपने ही डज मेक को अपने मैक्स लिख देते हैं तो क्या बनेगा सेंटेंस अपना ही मैक्स टी वो चाय बनाता है ये अपना सेंटेंस बन गया बात समझ में ये नॉर्मल अपना सेंटेंस बन गया प्रेजेंट सिंपल का कि वो चाय बनाता है तो इस तरीके से अपने को सेंटेंस फॉर्म करना है इतनी बात आई थिंक आप लोगों की क्लियर होगी तो अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अपने यहां पे क्या करते हैं जो एस लगा होता है ना एक्शन में एस लगा होता है वो किसको बताता है डज को बताता है उसको हमेशा तोड़कर किस में में लिखना है make करना है डज मेक करना हमेशा तोड़कर ही दिमाग में रखना उसको तो कभी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाउन में एस लगने से प्लियल बनता है एक्शन में एस लगने से सिंगुलर बनता है लेकिन एस एस एक्शन में लगने से सिंगुलर नहीं बनता वो एस नहीं हो तो वो डज होता है एस लगने से चीज ही बनती है समझ आई बात अब इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अपने जो स्ट्रक्चर अपने करवाते हैं वो लिख लेते हैं कैसे सबसे पहले कौन बैठा है सब्जेक्ट उसके बाद कौन है डज यानी मॉडल है डू डेंट का डू डज प्रेजेंट के अकॉर्डिंग दोनों मॉडल आते हैं प्लस वी वन प्लस अदर्स बचे हुए सारे के सारे ये आ जाएंगे यहां पर और इसको है ना अपने डू डज वी वन को वीवन प्लस एस या ई एस भी लिख देते हैं ये अपने को स्ट्रक्चर में लिखवा देते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुई तो अपने पहले स्ट्रक्चर नहीं रटी पहले सेंटेंस को बनाया है सेंटेंस को याद करने के लिए उसको समझने के लिए बाद में स्ट्रक्चर बनाई जाती है किस तरीके स्ट्रक्चर होती है तो पहले क्या चीज बनती है सेंटेंस तो अपने को काम करना है जड़ पे तो पहले अपने को सेंटेंस पे काम करना है स्ट्रक्चर से अपने क्या मतलब है अभी यहां मैं फेल करके दिखा देता हूं सेंटेंस आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल करके दिखाता हूं मैं यहां पर एक चीज लिख दू एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दू मैं टू इंप्रेस इंप्रेस का मतलब इंप्रेस करना ठीक है किसी को प्रभावित करना इंप्रेस हिज वाइफ अब ये बात बोल दी मैंने अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए वो चाय बनाता है और ये जो सेंटेंस है ये ये सबसे आगे मैं रख दूं चलो ये वाइफ वाला छोड़ो आप है ना क्योंकि वाइफ का अगर मैं लूंगा ना तो दिक्कत सबसे बड़ी ये हो जाएगी जो आ, बेरोजगार युवा जो कुआरे हैं उनके मतलब उनको मतलब ये सूट नहीं करेगा उनके थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे सेंटी हो जाएंगे तो इसके जगह ना आप ऐसे ले लो ये ले लो ये भी ले सकते हो आप जैसे टू सबका ध्यान रखना पड़ता है भाई ठीक है टू गेट सम रिलीफ रिलीफ का मतलब आराम इन विंटर ये भी लिख सकते हो आप दोनों में से कुछ भी लिख दो ठीक है इन विंटर मतलब सर्दियों में कुछ रिलीफ पाने के लिए मतलब हीट की फॉर्म में थोड़ी हीट एनर्जी मिल जाए ही क्स्ट वो चाय बनाता है वैसे है ना चाय बनाने से ज्यादा सही जाएगा ही टेक्स टेक्स टी टी इसकी जगह अगर अपने से न, तो वो ज्यादा सही जाएगा इस बात बात के लिए तो बात तो सेम ही है कि प्लस वगैरह इस तरीके से हो रही है अब ये चीज को मैं सबसे आगे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या यहां पे यहां पे कोई दिक्कत आएगी क्या ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है पर्पज बताया ये टू की वर्किंग है पर्पज की फॉर्म में कैसे काम करता है ये भी अपने वर्किंग एडवांस इंग्लिश में करेंगे जब टू का पूरा चैप्टर आएगा तो सर्दियों में कुछ रिलीफ पाने के लिए वो चाय बनाता है या चाय लेता है यानी चाय पीता है ये बात बोलेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया ये जो यहां सब्जेक्ट से पहले क्या हो गया टू वाला पार्ट नहीं आ गया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला तो यहां पे सबसे पहले क्या आ गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई ना अब अपने को लिखाया जाता है कि प्रेजेंट सिंपल की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वी वन प्लस अदर या वी वन प्लस एस प्लस अदर होता है मैं यहां पर यह बात बताना क्यों चाहता हूं मैं रियल में क्या बताना चाहता हूं वो देखो स्टूडेंट क्या करता है वो स्ट्रक्चर को रट लेता है वो क्या सोचता है कि फर्स्ट पे क्या आएगा वो ऐसे सोचता है स्टूडेंट का तरीका मैं बताता हूं कैसे सोचता है कि फर्स्ट पे सब्जेक्ट आएगा सेकेंड पे हेल्पिंग वो आएगी ठीक है थर्ड पे एक्शन आएगा इस तरीके सोचता है या फिर एस प्लस ई एस या सेकेंड पे आएगा तो दिक्कत यहां पे सबसे बड़ी क्या होती है कि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ना ये नया वाला सेंटेंस है ये एडवांस लेवल का सेंटेंस है उसमें क्या हो गया फर्स्ट पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई और जो सब्जेक्ट है वो किस पे चला गया सेकंड पे चला गया और स्टूडेंट ने रटा हुआ है हमेशा कि सब्जेक्ट फर्स्ट पे आता है सेकंड पे हेल्पिंग हो आती है इस तरीके से रटा हुआ है तो उसके क्या होगी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी उसको समझ में नहीं आएगी वो चीज कि भाई ये कैसे हो गया फर्स्ट पर तो सब्जेक्ट आता है इसीलिए स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाते है? जब रूल्स की फॉर्म में ऐसे रट के आते हैं ना स्ट्रक्चर वगैरह इसलिए सेंटेंस नहीं समझ पाते जैसे इंदू न्यूज पेपर की बात करें समझ नहीं पाता क्योंकि ये चीजें रटी हुई ऐसे थोड़ी होता है तो हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है ये जो स्ट्रक्चर अपने को बताते हैं बिल्कुल बेस्ट सेंटेंस सिंपल से सेंटेंस की अब ऐसे सेंटेंस नहीं आते और बोलने में ऐसे सेंटेंस थोड़ी बोलोगे आप छोटे छोटे बड़े बड़े सेंटेंस बोलने पड़ेंगे ना तो ऐसे करके दिक्कत होगी अब एक बात मुझे और बताओ ये जो अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो यहां पे दिखाई दे रही है आपको ये वाली मैं अगर यहां पे यूज कर लूं इस जगह ही के बाद में तो सही नहीं है क्या ठीक है टू गेट सम रिलीफ इन विंटर ही टू गेट वो सर्दियों में थोड़ा आराम पाने के लिए इंप्रेस वाइफ कर लो वो अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए चाय बनाता है पहले बोला अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए वो चाय बनाता है अब रहा है वो अपनी वाइफ को पहले अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए चाय बनाता है अब वो अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए चाय बनाता है वो चाय बनाता है अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए तीन तरीके से बोल सकते नहीं बोल सकते तीनों जगह पे तो टू वाला यहां पे भी आ सकता है और ये टू वाला लास्ट में भी तो आ सकता है ना लेकिन टू वाला यहां बीच में आ सकता है क्या ये देखो सेंटेंस की फॉर्मेशन है कि सेंटेंस में एलिमेंट्स को तब तक रोटेट कर सकते हो जब तक उसका मीनिंग करप्ट ना हो हो बीच बीच में में लेते लेते क्या हो जाएगा टू वाला मेक का तीर डायरेक्ट नहीं लगेगा टी पे इसलिए सेंटेंस खराब हो जाएगा तो यहां नहीं आ सकता यहां आ सकता है टू वाला फर्स्ट पे आ सकता है और यहां भी आ सकता है ठीक है अब जैसे सेकंड सेकंड पे पे आया तो पे जैसे ही आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई तो पूरा का पूरा खेल ही चेंज हो गया कैसे चेंज हो गया कि फर्स्ट पे तो आपका क्या है सब्जेक्ट है और सेकंड पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और हेल्पिंग वो आपकी थर्ड पे चली गई अपनों तो ये पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वोब आती है ये सेंटेंस देखिए ना इस तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले अपनों तो ये रटा हुआ है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आती है हेल्पिंग आती है अब क्या हुआ सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई हेल्पिंग वो रही नहीं उसके बाद क्लोज अगर आई एनजी क्लोज ईडी क्लोज वगैरह वो, वो चीजें आ गई तो वो तो बड़ी बड़ी चीजें आ जाती है जैसे ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड वो अपसेट इस तरीके से बोल सकते हो टोकिंग टू हिज फ्रेंड उससे बात करते हुए वो क्या था अपसेड था इस तरीके से बोले तो जैसे ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड वोज अपसेट आएगा तो वोज का सब्जेक्ट ही है लेकिन टू आते क्या होगा आपको दिक्कत दिखने लग जाएगी वहां पे क्या दिक्कत दिखेगी वहां पे ऐसे जैसे मैं सेंटेंस लिखूं ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड वोज गेटिंग अपसेट बात करते हुए क्या हो रहा था अपसेट हो रहा था मतलब उस, उसको उससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या रहेगी स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी क्लोज होता है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहां से यहां तक आप अपनी बात करें ये टॉकिंग से लेकर अपने हिज फ्रेंड तक अपर, यहां पे अगर, अगर अपनी बात करें इतनी दूर तक तो यहां पे ये क्या कर रहा है आपका आई एन जी क्लोज है और स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इस पॉइंट पे कि ये इतनी जो बात है ये वाली बात है ये यहाँ पे देखेगा उसको कुछ पता ही नहीं लगेगा ये बोलना क्या चाहता है क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डाल दिया उसने ठीक है लेकिन वोज का सब्जेक्ट क्या है ही यहाँ पे है तो इसकी हेल्पिंग वो बोले तो यहाँ पे इतनी दूर है बीच में ये इतनी चीजें आ गई तो स्टूडेंट क्या करता है उसकी स्ट्रक्चर हटी होती है उसको यहाँ पे आई एनजी दिखते कंटिन्यूस दिखा जाए तो वो यहां बोलेगा यहाँ पे एरर करके आएगा वो बोलेगा यहाँ पे इज एम आर ऐसे इज या वोज वगैरह कुछ आना चाहिए के साथ तो वो हेल्पिंग वो भी यहाँ पे ढूंढने लग जाएगा और जैसे यहाँ पे ढूंढने लग जाएगा तो वो गड़बड़ कर देगा इसमें यहाँ पे ढूंढने लग जाओगे तो वोज को फिर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिल पाएगा अपने वोज को भी तो सब्जेक्ट चाहिए ना उसको फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए तो वो इसको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा इसका मतलब क्या है ये सेंटेंस वैसे गलत हो जाए जो आपने सोचा है और रियल में ये सेंटेंस सही था और आप वहां गलत करके आ गए ये चीजें आप सीख जाओगे जब एडवांस इंग्लिश भी आएगी और ये टेंस जैसे जैसे चलोगे ना कैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट मिलता है ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा कौन किसको खा गया किस तरीके से फ्री सब्जेक्ट ढूंढना होता है ये सारी चीजें सीख जाओगे लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुई कि नहीं हुई गलत कर लिया ना क्यों क्योंकि अपनी तो स्ट्रक्चर रटी हुई थी स्ट्रक्चर ये रटी हुई थी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है हेल्पिंग आती है लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वो नहीं आई यहाँ पे एक्सट्रेन इनफॉर्मेशन आ गई और इस तरीके की एक्सट्रेन इनफॉर्मेशन आ गई जो कभी देखी नहीं है क्लोज वाली तो बिल्कुल ही गड़बड़ होनी है और वो सेंटेंस इसीलिए आपको समझ में नहीं आती तभी तो आप बोलते न्यूज पेपर पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आते क्यों नहीं आते क्योंकि आपने गलत कर रखा है सारी चीजें आपने गलत तरीके से चीजें रटी हुई है रूल्स रटे हुए हैं इसलिए आपके गलत हो रहे हैं बात समझ में आई तो ये पूरा फिनोमिनन होता है समझ समझा रियलिटी है इसलिए स्ट्रक्चर अपनी क्या हो जाती है इनवैलिड हो जाती है बात समझ में इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को ठीक है अब यहां पे इसके थोड़े से आगे के पार्ट को कर लेते हैं धीरे धीरे अपने करते जाएंगे तो चीजें अपने आप अपने समझ में आती जाएगी अब अपने को क्या करना है इसका नेगेटिव बनाना है नेगेटिव बना लेते हैं अब इसका ठीक है नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या होता है नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखना कि जो नोट है नेगेटिव का जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपका नोट होता है तो नोट आपका लगेगा हमेशा ध्यान रखना नोट हमेशा मॉडल के बाद में आता है और एक्शन से पहले आता है क्योंकि अभी काम मेक का है फिर काम हो जाएगा नोट मेक का अभी मेक का काम है और फिर आपका काम हो जाएगा नोट मेक का हो जाएगा तो नोट हमेशा क्या रहेगा नोट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए नोट आएगा और वो कहां लगेगा मॉडल के बाद और किससे पहले एक्शन से पहले रहेगा तो अब आप मैक्स नोट भी नहीं कर सकते क्योंकि एक्शन से आगे चला जाएगा नोट और मैक्स से पहले नोट मैक्स भी नहीं कर सकते यहां पे आपको मॉडल को बाहर निकालना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसके बाद में करोगे तो एक्शन के बाद में चला जाएगा और पहले करोगे तो मॉडल से पहला चला जाएगा इसलिए मॉडल को बाहर ही रखते हैं तो इसका जो अपने बनेगा ना वो क्या बनेगा इसका नोट बनेगा तो मॉडल के बाद में नोट लेना है तो यहां पे आएगा अपना ही डज नोट मेक टी ये आएगा डज नोट मेक टी ये क्या बन गया अपना नेगेटिव बन गया इसका तो नेगेटिव अपने समझ में आएगा नेगेटिव कैसे काम करेगा ऐसे ही अब क्या करो इसका इंटेरोगेटिव बना दो अब इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहां पे अगर अपने बात करें तो इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि मॉडल आगे आ जाता है मॉडल उठ के आगे आ जाएगा और कुछ नहीं होगा सिर्फ मॉडल आगे आ जाएगा तो क्या आएगा मॉडल कौन सा आगे आ जाएगा डज आगे आ जाएगा डज ही मेक टी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से चीजें काम कर रही है और फिर अपने बनाए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा अपना इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा पहले जैसे ये बन गया और फिर नेगेटिव में क्या होता है इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट होता है मॉडल आगे तो मॉडल क्या हो जाएगा उठकर आगे आ जाएगा तो मॉडल आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डज ही पहले नेगेटिव uh, बनाओ फिर उसका इंटरगेटिव इंटेरोगेटिव बनाओ पहले नेगेटिव का कॉन्सेप्ट लिखा फिर इंटेरोगेटिव का डज ही नॉट मेक टी ये बन जाएगा ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा इतनी बात समझ में आ गई तो इस तरीके से ये वॉक करते हैं तो नेगेटिव इंटेगेटिव इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव पे देख लिया अब इसकी रियल वर्किंग एनाटेंस की उसमें चलते हैं रियल में इसकी वर्किंग क्या होती है तो प्रेजेंट सिंपल की रियल वर्किंग फिजिकल फॉर्म में अगर अपने बात करें तो रियल वर्किंग क्या होती है देखो चलो लिख लो पहले लिख लो मैं बताऊंगा अभी लिखने के बाद ही बताऊंगा ये फिक्स या क्वालिटी को बताता है फिक्स या क्या बताएगा क्वालिटी को बताता है इसकी ये फिजिकल वर्किंग होती है रियल मीनिंग क्या होता है का। अब देखो ध्यान से एक बात सुनो अपने को बताया जाता है कि प्रेजेंट सिंपल में जैसे जो रेगुलर वे में बातें होती हो या फिर जो अपने बात करें आ, किस तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो ठीक है ऑलवेज वगैरह लग जाए वो प्रेजेंट सिंपल होता है डेली बेसिस पे जो बातें होती है उसके लिए प्रेजेंट सिंपल लगता है इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीजें मतलब इस तरीके से अपने को रटवाते हैं और ऐसे करके इतने पॉइंट लिखवा देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ उसके बाद में रेगुलर एक्टिविटीज और ईयरली uh, आपके जो हो गए क्या इवेंट्स हो गए ठीक है कोई फिक्स डेट पे कोई काम होता है वो हो गया ऐसे करके मतलब बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट लिखवा दिए जाएंगे और इतने पॉइंट लिखवाने के बाद अपने क्या सोचते हैं कि और सर ने कुछ भी नहीं छोड़ा सारा का सारा लिखवा दिया इतनी बड़ी मतलब बुक बना दी कुछ एक चीज़ भी नहीं छोड़ी यार तो रियल में बताऊं उसने तो कुछ नहीं छोड़ा लेकिन आपको भी उसने कहीं का नहीं छोड़ा एक चीज सोच कर देखना आप लोग ये चीज पता क्यों हुई क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको करवा दी बहुत बड़ा ग्रंथ छाप के दे दिया जाएगा तो उसका बर्डन आप पे कितना आएगा बहुत ज्यादा और वो फालतू का बर्डन है कोई मतलब ही नहीं है अगर अपने को उसका रियल कॉन्सेप्ट पताओ उसकी जड़ बताओ कि रियल में ये काम कैसे करता है तो अपने को इतना सारा रटने की जरूरत है क्या इतना ज्यादा रटोगे जितना ज्यादा मटीरियल होगा उतना ही ज्यादा अपने लिए बर्डन होगा और उतने चांसेस अपने कम लर्निंग के होंगे तो ऐसे करो ना कि इतना ज्यादा जो ग्रंथ है इतना बड़ा जो बर्डन है उसको एक लाइन में कंप्लीट कर दो तो यहां पे एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है फालतू तो की बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह क्या होता है कुछ नहीं होता रेगुलर एक्टिव, एक्टिविटी वगैरह बस तो आपको ये चेक करना है कि वो काम फिक्स है या किसी चीज़ पर्सन वगैरह जिसके लिए यूज हुआ उसकी क्वालिटी है तो आपका प्रेजेंट सिंपल ही आता है उसकी क्वालिटी को बताएगा तो और ऑलवे जनरली ऑफन वगैरह ये जरूरी नहीं है प्रेजेंट सिंपल के साथ आते हैं अपने बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल के साथ आते हैं कंपल्सरी नहीं है आगे मैं बता दूंगा आपको पास्ट वगैरह सबके साथ आते हैं वो ठीक है तो ये फालतू की चीजें हैं वो जो अपने को रटवाई हुई है तो यहां पर अब अपने चलते हैं कुछ सेंटेंसेस लेते हैं वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे ही comes early एट वोक अब देखना ध्यान से कैसे बात करें कम को आप क्या पढ़ोगे हमेशा ऐसे ही पढ़ना है तोड़कर पढ़ना है डज कम अब ये उसकी क्वालिटी रेगुलर क्वालिटी है, है यानी रेगुलरिटी है ना उसकी वो काम पर जल्दी आता है कब आया जल्दी रेगुलर वे में दिखेगा वो जल्दी आता है मतलब कल भी आया था आज भी आया ऐसे मतलब उसकी क्वालिटी है इस बंदे की क्या है इस बंदे की जल्दी आने की क्वालिटी है ये क्या करता है काम पे जल्दी आता है ये इसकी क्वालिटी है जल्दी आना उसकी क्वालिटी को बता रहा है तो कौन सा यूज होगा अपना प्रेजेंट सिंपल यूज होगा अभी कॉन्टिन्यूस करके फिर अपने कंपेयर करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा तो ये क्वालिटी को बताता है इसमें रटना क्या बिल्कुल सिंपल सी बात आप बस देख लो क्वालिटी है यानी उसके बाद में जैसे अपने बात करें ये आपका हो गया द अर्थ अराउंड द सन या अराउंड द सन दोनों लिख सकते हो अर्थ क्या करती है रिवोल्व करती है अराउंड द सन सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है बिल्कुल बात है फिक्स क्वालिटी है।, क्वालिटी है अर्थ की जो क्वालिटी है वो क्या है अर्थ की क्या क्वालिटी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना ये उसकी क्वालिटी है। अर्थ की क्वालिटी यहां पर अगर अपने देखें तो क्या है ये इसकी फिक्स फिक्स बात है ना क्वालिटी है अब इसको बोल देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है ये है वो कैसे पता करोगे यूनिवर्सल ट्रूथ है या क्या है रटोगे कि सनराइज होता है ईस्ट में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है नदियां ऊपर से नीचे की तरफ बहती है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ये इस तरीके से कितने भी रटोगे रटना ही नहीं फिक्स बात है क्वालिटी उस चीज की नदियां भाई ऊपर से नीचे आती है ये ट्रूथ है बिल्कुल नॉर्मल वे में फिक्स बात है क्वालिटी होती है नदी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो जाएगी नहीं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आती है ये चीज़ें अपने को पता है इसमें फिर ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट पता है कि कैसा होता है तो उसके लिए ये ये यूनिवर्सल ट्रूथ और स्टूडेंट क्या करता है जब उसको इतनी चीजें करवाई जाते हैं वो रटता रहता है उन चीज़ों को और जितना ज्यादा रटेगा उतना ही ज्यादा बर्डन माइंड में बन जाएगा और फिर उसके मतलब चांसेस कम हो जाएंगे मतलब वहां पर चीजें समझ में आने के बाद समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं तो इस तरीके से ये चीज होती है इसमें रटना क्या अब रेगुलर पे बात करें अब उसमें रेगुलर भी बता देते हैं ईयरली बता देते हैं ऐसे कैसे ऐसे थोड़ी होता है जैसे यहां पे अपने सेंटेंस लें आपको देखना है क्वालिटी क्या है जैसे बात करें देयर आर ट्वेंटी नाइन डेज In February वंस इन फोर ईयर्स अब देखो ये चार सालों पे बात होली भी नहीं रही चार सालों पे ऐसे बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती होगी जो डिकेड्स में दशकों में होती है सेंचुरीज में होती है साल सौ सालों में भी होती हो तो उनके लिए ऐसे बोलोग सौ सालों के लिए बैसे हो जाएगा ऐसे थोड़ी होगा रेगुलर पे तो है नहीं है तो चार साल में एक बार हो कहां रेगुलरिटी है इसमें ईयरली भी नहीं है एक साल में एक बार नहीं हो रही तो चार साल में एक बार जो क्या होता है ट्वेंटी नाइन डेज डे नहीं करोगे डेज करोगे इसको क्योंकि ट्वेंटी नाइन डे कहां से स्टार्ट हो रहा है वन से और ट्वेंटी नाइन डे को डेज बना देगा आगे दीवार आ गई इनकी इसलिए बर्डन पास नहीं होगा तो ट्वेंटी नाइन डेज फरवरी में होते हैं वंस इन फोर ईयर चार सालों में एक बार होते हैं फिक्स बात है चार सालों में ऐसा होता है उसकी क्वालिटी है फरवरी की क्वालिटी है कि चार सालों में एक बार ऐसा होता है ये क्वालिटी है फिक्स बार बार ये चीज होती है उस तरीके से बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रटना यहाँ पे क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ये है इस तरीके से क्यों रटोगे फालतू चीजों को इस तरीके से जाएगा जैसे मैं बात करूं यहां पे एक और सेंटेंस देता हूं द इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन फिफ्टींथ ऑफ ऑगस्ट पंद्रह अगस्त को होता है अपने को पता है इंडिपेंडेंस डे कब होता है पंद्रह अगस्त को होता है तो ये क्वालिटी है फिक्स है पंद्रह अगस्त को ही होता है बिल्कुल सही है तो सही जा रहे हैं अब यहां पर यह ले लू मैं दिवाली ओल्स ऑन ट्वेल्थ ऑफ नवंबर सही है क्या दिवाली क्या होती है उसकी क्वालिटी है बारह नवंबर को ही होती है बारह नवंबर को होती है इस बार बारह नवंबर की को थी पिछली बार हो सकता है अक्टूबर में हो आगे अक्टूबर में हो ठीक है फिर नवंबर में हो और नवंबर में कोई डेट फिक्स नहीं है कब हो तो एक फिक्स डेट नहीं रहती ना तो ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो गया ये तो गलत है पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है आपका समझे तो बात सेंटेंस गलत हो गया ना क्योंकि ये हो ही नहीं सकती फॉल्स यहाँ इज फॉलिंग हो सकता है इज फॉलिंग ऑन ट्वेल्थ ऑफ नवंबर दिस ईयर

जो हाईली एजुकेटेड पर्सन है मोस्टली अपने बात करें बड़ी सिटीज के तो उनको मतलब ये नहीं पता कि इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है ऐसे आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी तो उनको बोलेंगे भाई छब्बीस जनवरी कब होती है वो बोलेंगे छब्बीस जनवरी आइडिया नहीं है कब होती है अरे छब्बीस जनवरी छब्बीस जनवरी को ही होती है तो इस तरीके से ये बात करता है अब यहां पे अब देखना एक और सेंटेंस मैं आपको बताता हूं इस पर आप आ, चेक करके देखो देखो क्या लिखा है मैंने जैसे माई बर्थडे माई बर्थडे ओल्स ऑन एथ ऑफ जुलाई मेरा बर्थडे आठ जुलाई को होता है फिक्स क्वालिटी है ना मेरे बर्थडे की कि वो आठ जुलाई को ही होता है क्योंकि पैदा ही आठ जुलाई को हुआ है तो बर्थडे कहां पे होगा आठ जुलाई को होगा यहां पर इज फॉलिंग नहीं होगा कि आठ जुलाई को इस बार हो रहा है इस बार नहीं हो रहा है ये हमेशा होता है यह जब है ना आपने कॉन्टिन्यूस करके जब कंपेयर करेंगे ना ये दोनों आपके समझ में आ जाएंगे इस तरीके से इनको है ना वापस सेंटेंस को अपने कंपैरिजन मिलेंगे continuous और सिंपल को करोगे तो पता लगे कैसे वर्क करता है यहाँ पे देखो फॉल्स नहीं है ना बात? उस पे ये आपको पता लग लेकिन अभी के लिए अपने लग गया कि फिक्स पे जो बात होती है उस तरीके से बात करता है अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं अपने सेंटेंस नोट करू कि अब सेंटेंस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है मनी टोम इज फ्रेंड्स बात का मतलब क्या है वो अपने दोस्तों से क्या करता है पैसा लेता है ठीक है अपने दोस्तों से पैसा लेता है उसकी क्वालिटी वो अपने दोस्तों से क्या करता है पैसा लेता है क्वालिटी है ना उसकी फिक्स है कि उसका काम ही क्या है अपने दोस्तों से पैसा लेना वो पैसा लेता ही है दोस्तों से चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है इस तरीके से तो उसकी क्वालिटी को बताएगा अब यहां पे मैं एक एलिमेंट लेना चाहता हूं एक्सपेरिमेंट के लिए देखो को सेंटेंस सेंटेंस पे एक्सपेरिमेंट है है कि काम कैसे करते हैं वो देखना है। अपने एक एलिमेंट लिया ओनली अब ओनली का मतलब क्या होता है केवल ये अपने को पता है अब इस एलिमेंट को यूज करेंगे तो अपन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं एलिमेंट जो यूज होते हैं वो किस तरीके से सेंटेंसिस में काम करते हैं तो मैंने यहां पे बात की यहां पे ही किससे पहले मैंने ओनली लिख दिया तो यहां पे आपको क्या दिखेगा एक तो ही दिखेगा ये ही दिख रहे हैं और उसके फ्रेंड्स दिखेंगे अपने को बहुत सारे फ्रेंड्स दिखेंगे यहां पे ये ही है और ये क्या है उसके फ्रेंड्स है ये दिखा ये दिख गया अपने को अब एक बात बताओ मुझे जब मैंने ओनली को यहां यूज किया यहां फर्स्ट पे तो क्या होगा बोलकर देखो ये एलिमेंट जिसके साथ यूज होता है ना उसी का मीनिंग चेंज करते ओनली ही टैक्स मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स मतलब क्या समझ में आया कि केवल वो अपने दोस्तों से पैसा लेता है और कोई नहीं लेता मतलब उन दोस्तों में से केवल वही एक है जो अपने दोस्तों से पैसा लेता है केवल किस पे अप्लाई हो गया इस पे अप्लाई हो गया यहां से अगर मैं बात करूं यहां से जो ओनली है वो किस पे अप्लाई हो गया ओनली ही केवल ये अकेला बंदा है ये नहीं लेते और कोई भी ये बंदा अकेला क्या करता है अपने दोस्तों से पैसा लेता है अब इस एलिमेंट को मैं ओनली को यहां से यहां रख दूं तब क्या होगा तो देखो अब टेक पे एक्शन पे ओनली अप्लाई होने लगे वह अपने दोस्तों से पैसा केवल लेता है वह केवल लेता है वह अपने दोस्तों से पैसा केवल पैसा लेता है मतलब इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि वह अपने दोस्तों से पैसा केवल लेता है देता नहीं है पहले ओनली ही पे लगाना तो क्या था केवल वो लेता है और कोई लेता और ओनली के पहले लगा तो क्या हुआ वो पैसा केवल लेता है वापस नहीं देता है ठीक है वो अपने दोस्तों से ओनली टैक्स वो ही ओनली टैक्स मनी ओनली टैक्स का मतलब केवल लेता है पैसा नॉट गिविंग देना दे लेकिन देता नहीं है वो दोस्तों से पैसा सिर्फ लेता है। तो क्या दिखेगा उसकी तरफ पैसा आ रहा है, है? उसके पास लेकिन इस तरह से जाने का जो है ना रास्ता वो इस पॉइंट पे क्लोज हो, हो जाएगा क्रॉस हो तो जाएगा ये बात यहां पे जाने का क्रॉस हो जाएगा आने का तो टिक हो जाएगा जाने का क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ओनली टैक्स पे अप्लाई हुआ है और जब यहां पे मैं ही के पहले लगूंगा ना तो मुझे नहीं पता देता भी होगा क्या पता पैसा देता भी हो लेकिन केवल वो ही है जो लेता है देने का मुझे पता नहीं है लेकिन यहां पे ये यह पता लग गया कि वो बंदा है ना वो बंदा केवल दोस्तों से पैसा लेता है वापिस नहीं देता या फिर देता नहीं है सिर्फ लेता लेता है इस तरीके से बात आएगी और फिर यहां जब मैं ओनली लगाऊंगा ना इस जगह पे ओनली तो केवल वो अकेला ही क्या मतलब अपने दोस्तों से पैसा लेता है और भी कोई ले सकता है लेकिन वो लेता है देता नहीं है दूसरों का पता नहीं है लेकिन ओनली जब ही पे लगाए तो दूसरों का भी पता लग गया कि केवल वो ही लेता है दूसरे नहीं लेते और टेक पे जब लगाया तो वो केवल लेता है देता नहीं है ये चीज आ जाएगी और ही पे लगाओगे ले तो लेने देने का कुछ नहीं पता लेता है देने का नहीं पता लेकिन यहाँ पे गिविंग नहीं हो रही ओनली टैकिंग हो रही है बात समझ में आई अब इस ओनली को मैं यहां पे लगा दूं तो ये सेंटेंस में एलिमेंट्स ऐसे काम करते हैं आप ओनली देख लिया था ऐसे नहीं है कि भाई ओनली वो मीनिंग मीनिंग लेगा लेगा अलग अलग लेगा, जिसके साथ यूज होगा उसी का मीनिंग कन्वर्ट कर देगा ही टेक्स ओनली मनी इस बात का क्या मतलब है वो अपने दोस्तों से केवल ये जो पैसा है ना पैसा ये दस दस के नोट या पांच सौ औकात के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ठीक है बेरोजगारी इसलिए दस दस के नोट है ठीक है दस दस के नोट हैं तो ये सिर्फ नोट दिखाई देंगे मतलब वो अपने दोस्तों से केवल पैसा लेता है गिफ्ट्स वगैरह है ना जो गिफ्ट वगैरह या कोई और चीज वो नहीं लेता क्या लेता है पैसा लेता है गिफ्ट वगैरह और कुछ भी नहीं लेता सिर्फ पैसा लेता है और ओनली को अगर मैं यहां पे लगाऊं तो यहां पे लगाते क्या मीनिंग बनेगा कि वो अपने वो केवल अपने दोस्तों से पैसा लेता है और किसी से नहीं लेता समझ में आ रही है बात मतलब, मतलब अपने केवल अपने दोस्तों से पैसा लेता है और किसी से नहीं लेता सिर्फ दोस्तों से लेता है तो सिर्फ कहां पे बाइंड हो जाएगा इन दोस्तों पे जाके ये पूरी तरह से बाइंड हो जाएगा और कोई भी पर्सन से जैसे ये कोई थर्ड पर्सन है कोई भी पर्सन है इनसे वो पैसा यहां पे नहीं लेगा बात समझ इस तरीके से वो करते हैं तो कुल मिलाकर क्या पता लगा जब मैं यहां पे ओनली ही लगाऊं ना तो मुझे सिर्फ ये है कि केवल वही पैसा लेता है उनके दोस्त में से कोई नहीं लेता और और अपने दोस्तों से लेता है या और किसी से अपने दोस्तों से लेता है और किसी से लेता है इसका नहीं पता लेकिन यहां पे ओनली फ्रॉम से पहले लगाते ये पता लगा और किसी से नहीं लेता सिर्फ दोस्तों से लेता है समझ में आई चीज और यहां पे टेक पे लगाया तो क्या होगा केवल लेता है देता नहीं है अदर किसी जगह पे देने का अपने को पता नहीं चल रहा और ही पे लगाने पे सिर्फ ये पता चल रहा है अपने को ये फिक्स हो गया कि केवल वही है जो उनके दोस्तों में वो लेता है और दूसरे कोई नहीं लेते और लेना देना केवल पैसा या केवल फ्रेंड से ये कुछ पता नहीं लग रहा मनी की बात करें तो यहां पे ये है कि सिर्फ पैसा लेता है और गिफ्ट वगैरह नहीं लेता अगर मनी पे ना है कहीं और पे है ना तो इसका मतलब ये कि हो सकता है गिफ्ट भी लेता हो लेकिन यहां से ये कंफर्म हो गया कि सिर्फ पैसा लेता है और कुछ नहीं लेता और यहां पे अप्लाई होते क्या होगा सिर्फ दोस्तों से पैसा लेता है और किसी से नहीं लेता बात समझ में आई तो ये एलिमेंट है इसकी ये वर्किंग है ओनली की क्या है ये वाली वर्किंग है इस तरीके से ये ओनली वो करता है बात समझ में आप लोगों के ऐसे अगर अपने बात करें ऑलवेज लगाऊं मैं जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट काम करें ऑलवेज ऑलवेज में लगाऊं तो सबसे पहले ऑलवेज ही हमेशा वो व्यक्ति है ना पैसा लेता है और यहां पे ऑलवेज लगाऊं तो क्या होगा टैग पे चला जाएगा वो हमेशा लेता है पैसा ठीक है लेने का काम हमेशा करता है और वहां पे वो व्यक्ति हमेशा है ना पैसा लेता है इस तरीके से काम करेगा ऑलवेज मनी पे लगाऊं पैसा हमेशा हमेशा पैसा होगा क्या ऑलवेज टाइप का कोई पैसा होगा क्या कोई नहीं होगा तो यहां पे 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 ये ये सही नहीं होगा यहां यहां गलत हो जाएगा और ऑलवेज लगाऊं ऑलवेज दोस्तों से दोस्तों दोस्त हमेशा पे हो जाएंगे क्या उसका भी कोई मीनिंग नहीं आएगा मतलब हमेशा दोस्तों से हमेशा हमेशा दोस्तों से पे अप्लाई नहीं होगा तो ऑलवेज यहां भी अप्लाई नहीं होगा ऑलवेज दो ही जगह अप्लाई होगा कहां कहां पे आपका ही से पहले और ही मतलब ही से पहले तो पूरे सेंटेंस के लिए अप्लाई होगा टेक्स से पहले टैग के एक्शन पे अप्लाई होगा समझ आई चीज तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स क्या करते हैं अपने वर्क करते हैं तो इनका कोई ऑलवेज का काम प्रेजेंट सिंपल बताना नहीं होता ऑलवेज का काम क्या बताना होता है रेगुलरिटी को बताना होता है किस चीज को रेगुलरिटी को बताना होता है रेगुलरिटी को ठीक है ऑलवेज का ये काम होता है वो उन चीजों को नहीं बताता ठीक है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना टेंस है कि सिंपल uh, है कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट है पास्ट है क्या है ये कौन बताएगा ये मॉडल बताएगा मॉडल बताएगा एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हैव बताएगा और आईएनजी जो है वो बताएगा आईएनजी प्रोग्रेस को बताएगा मॉडल बताएगा कहां पे बात हो रही है और किस तरीके की बात हो रही है फिक्स की हो रही है एडवाइस की हो रही है क्या हो रही है और हैव जो है वो परफेक्शन को बताएगा समझ में ही बात वो परफेक्शन को बताता है तो इन तीन एलिमेंटों का काम होता है कि चीजें हो कैसे रही है ऑलवेज वगैरह का नहीं होता टेंस बताने का काम वो यूज होते हैं वहां पर जैसे अगर रेगुलरिटी बतानी है प्रेजेंट पे रेगुलरिटी बतानी है तो अपने को रेगुलरिटी का एलिमेंट चाहिए तो उस बंदे को बुला कर लाएंगे पास्ट में बतानी है तो ऑलवेज रेगुलरिटी का एलिमेंट है पास्ट को आप रेगुलरिटी बतानी है तो वो भी ऑलवेज को लेकर आएगा बोल सकते हो आप ये एक बंदा है जो काम करने वाला जिस काम के लिए इसको बुलाया जैसे प्लंबर है घर में लीकेज हो गया पानी का तो प्लंबर है ये इसको बुलाया जाता है प्रेजेंट के घर पर लीकेज हो गया तो प्रेजेंट बुलाएगा पास्ट के घर पर हो गया तो पास्ट बुलाएगा फ्यूचर पे हो गया तो फ्यूचर बुलाएगा समझा इस तरीके से ये बुलाएंगे ये टेंस नहीं बताते ये एलिमेंट्स अपनी इनकी खुद की वर्किंग है रेगुलर बताना ओनली की बताना है एक यूनिकनेस को बताना सिंपल उसी पे बाइंड कर देता है कि केवल वही चीज है इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है तो एलिमेंट्स की वर्किंग आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए समझ में आया इस तरीके से वर्क होता है इसका टेंस का तो फिजिकल मीनिंग अपने को पता लग गया प्रेजेंट सिंपल का क्या फिजिकल मीनिंग होता है क्वालिटी या फिक्स बात को बताने के लिए प्रेजेंट पे क्या यूज होता है अपना आपका प्रेजेंट सिंपल यूज होता है इतना क्लियर है कल कंटिन्यूस करेंगे फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पता लगेगा अभी अपने को थोड़ा सा पता लगा ना पीछे बात कर रहा था उसमें कि किस तरीके से वो वर्क करती है इस तरीके से अपने को पता लगने लग जाएगा कि किस तरीके से एलिमेंट्स अपने वर्क करते हैं बात समझ में आई तो ठीक है इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से और कंपेरिजन करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा तो भाई क्लास से इसको शेयर कर दिया कर दिया करो ज्यादा से ज़्यादा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इनको बनाने में आपको पता है ये चीज़ ठीक है तो इसलिए ये आ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अगर आपको लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपको बेनिफिट हो रहा है तो इसको शेयर करो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा गुरु दक्षिणा के फॉर्म में शेयर करना है इसको ठीक है फ्री में आपको कोर्स मिल रहा है तो उसके बदले में कुछ तो दो ना आप ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो क्लासेस को शेयर करो उससे मोटिवेशन भी मिलता है जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं ना लाइव उससे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलेगा तो उतना ही ज़्यादा डेफ्थ में क्योंकि पॉजिटिविटी आएगी पॉजिटिविटी आएगी तो मैं आपको उतना ज़्यादा डेफ्थ में बताऊंगा अलग अलग चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा नेगेटिविटी आएगी तो इतना क्लैरिटी नहीं होती इसलिए थोड़ी आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जो एस बी एस्पायरेंट्स हैं वो सुबह जो ए टी एम पे जो क्लासेस चलती है उसकी प्ले uh, लिस्ट की लिंक आपको uh, मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में तो उनको भी ज्वाइन करो आप ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले तो वहाँ पर आपको पता लग जाए किस तरीके से करना है जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उनसे एक बार आप पूछ लेना जाए ठीक है तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में